शनिवार को गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के खिजिरपुर गांव में एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की सूचना मिलते ही पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद आनन फानन में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक से पूछताछ कर उसे वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि युवक 3 तारीख को मुंबई से बाइक चलाकर अपने गांव पहुंचा था, जिसके बाद 5 तारीख को उसका सैंपल लिया गया और 9 तारीख को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आइए पहले सुनते हैं कि गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इस बाबत क्या कह रहे हैं। जनपद गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत खिदिरपुर गांव में एक लड़का मुंबई, जो वहां होटल में काम करता था, मोटरसाइकिल से चला आया था। पता चलने पर उसका टेस्ट कराया गया तो उसका COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। उसको यहां पे L2 हॉस्पिटल बनारस में एडमिट कराया गया है और उसके समस्त कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके आइसोलेट करते हुए उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया है, तथा हमारे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा CFO आज पूरी टीम को ले जाकर मौके पर पूरे गांव को सैनिटाइज कराया गया, तथा सैनिटाइज कराने के बाद उसको गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो सुनो, आपने प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए गाँव को चारों तरफ से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गांव के चारों तरफ बैरियर बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर न आ जा सके। थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ लगातार गांव में चक्रमण कर रहे हैं। इस दौरान राजेश त्रिपाठी गांव में मौजूद जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं और उन्हें भी समय समय पर कुछ न कुछ खिलाते रह रहे हैं। इस दौरान CO राम बहादुर सिंह, थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी समेत पुलिस टीम में सिपाही मोहम्मद कासिम, अजय गुप्ता, सोबरन यादव, महिला पुलिस पूजा आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।